सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो के प्रेडिक्शन। कैसे आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं T20 ब्लास्ट 2023 के 29 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है नॉर्थहैम्पटन शायर और वार्विक शायर के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 31 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रात के 11 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच के लिए जाएगी काउंटी ग्राउंड नॉर्थहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। पहली टीम नॉर्थहैम्पटन शायर की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही, तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम वार्विक शायर की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर वार्विक शायर 2-3 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, जहाँ पर नॉर्थहैम्पटन शायर 10 मैच में से 4 मैच जीत के आ रहे थे, वहीं वार्विक शायर 6 मैच जीत के आ रहे। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वार्विक शायर 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। पढ़ते हैं, चलते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पर नॉर्थहैम्पटन शायर का 40% देखने को मिल रहा है, तो वहीं वार्विक शायर का 70% देखने को मिल रहा है। एवर स्कोर की बात करें तो नॉर्थहैम्पटन शायर का 173 है, तो वहीं वार्विक शायर का 181 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो नॉर्थहैम्पटन शायर का 220 है, तो वहीं वार्विक शायर का 261 है। वहीं लोएस्ट स्कोर की बात करें तो नॉर्थहैम्पटन शायर का 128 है, तो वहीं वार्विक शायर का 82 है। तो ये रहे दो टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर टीम कंपेरिजन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, मौसम पूरी तरह से क्लियर रहने वाली है। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 40.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी देखें तो 44% रहेंगे, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है। तो इस पिच पर अभी तक टोटल 58 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो फर्स्ट इनिंग 56 रन में भी जा सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 140-145 रन में भी जाएगी। इस पिच के अगर सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है चेस करने में। तो काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं इस पिच पर, उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम नॉर्थहैम्पटन शायर की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पे नॉर्थहैम्पटन शायर का अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग यहाँ सुधारने की ज़रूरत है। वहीं अगर दूसरी टीम वार्विक शायर की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम नॉर्थहैम्पटन शायर के की प्लेयर की बात करें तो क्रिस लिन, डेविड विले, टॉम टेलर, एंड्रयू टाई। वहीं दूसरी टीम वार्विक शायर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स डेविस, सैम हैन, ग्लेन मैक्सवेल, डैनी ब्रिग्स। तो ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए वार्विक शायर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।